सुखी सर, आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करेंगे फ्री फायर के क्राफ्टलैंड मैप सेटिंग के बारे में। यहाँ पे गाइस देखो, जब आप लोग खुद का क्राफ्टलैंड मैप बनाते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सेटिंग मिलते हैं। और गाइस मैं आपको बोल दूँ, अगर आप चाहे कितना भी अच्छा मैप क्यों ना बना लो, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे सेटिंग अच्छे से नहीं करोगे तो कोई भी बंदा आपके मैप को यूज़ नहीं करेगा, उसके अंदर सही से कस्टम नहीं बन पाएगा। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आता है कि भाई क्राफ्टलैंड कस्टम जो होता है वो बकवास होता है, बेकार होता है। देखो भाई, अगर आप लोग सेटिंग अच्छे से करोगे तभी आपको जो है वो कस्टम अच्छा लगेगा। ठीक है, तो गाइस अभी मैं आपको एक एक करके सभी सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि कौन से सेटिंग का क्या काम होता है और आपको किस तरीके से यूज़ करना है। ओके, जल्दी से गाइस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन को और पे सेट कर देना। तो फटाफट से करते वीडियो का स्टार्ट बिना किसी तरीके। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ओके सो गाइस, यहाँ पे देखो सबसे पहले आता है मैक्सिमम राउंड। यहाँ से आप लोग जो है अपने कस्टम का राउंड सेट कर सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ 11 पे, तो मेरे मैप पे कोई भी बंदा कस्टम बनाएगा तो उसके अंदर 11 राउंड दिखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी सही है। इसके बाद भी कैसे यहाँ पे आता है नंबर्स ऑफ प्लेयर पर टीम। यहाँ पे एक टीम में हाईएस्ट कितने प्लेयर हो सकते हैं ये आप लोग सेट कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दोगे 1, तो आपका जो मैप है उसके अंदर लोग सिर्फ 1v1 का ही कस्टम बना पाएंगे। ठीक है, अगर 4 पे क्लिक कर दोगे तो 4v4, 2v2, 3v3 कर सकता है। लेकिन कैसे मैं आपको बोलूँगा, आप एकदम लास्ट में 6 पे क्लिक कर दो। इससे क्या होगा कि आपके मैप पे लोग 6v6, 4v4, 3v3, मतलब कि हाईएस्ट 6 बंदा एक टीम में रह सकता है, तो जिसका जो मर्जी है वो कर सकता है। ओके, तो मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे 6 पे क्लिक कर दो। इसके बाद फिर कैसे यहाँ पे आता है, देखो इससे जो है आप लोग जोन के एरिया को सेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो आपको एक लाइन मिलेगा, जब आप लोग इसको पूरा फुल कर दोगे तो यहाँ पे जो वाइट सर्कल है ये बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। अब कैसे यहाँ पे क्या हुआ कि जो जोन आता है क्राफ्टलैंड के अंदर, जो जोन आता है ना सेफ जोन, वो गैस देखो एकदम दूर से आना शुरू होगा। अब दूर से आएगा तो जाहिर सी बात है वो लेट से आपके तक पहुँचेगा। इसके अलावा कैसे यहाँ पे देखो लास्ट में आपको जोन श्रिंक स्टार्ट टाइम का भी ऑप्शन मिलता है, इसको भी आप लोग सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो अगर हम लोग इसको कर देंगे पूरा फुल 300 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या है कि जब राउंड स्टार्ट होगा उसके करीब 5 मिनट के बाद जो है जोन आना शुरू होगा। तो मेरे ख्याल से गाइस 5 मिनट के अंदर एक राउंड तो आराम से ख़त्म हो जाता है। और यही वजह है गाइस कि आपने देखा होगा काफ़ी सारे क्राफ्टलैंड मैप ऐसे होते हैं, सॉरी कस्टम ऐसे होते हैं जिसमें जोन आता ही नहीं है, तो वो अच्छे से सेटिंग करने की वजह से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेम इस टाइप का सेटिंग करना है और ओके पे क्लिक कर देना। ओके, इसके बाद फिर आपको जाना है जनरल पे। देखो जनरल पे भी आपको काफ़ी सारे सेटिंग मिलेंगे, तो चलो मैं आपको एक एक करके इसके बारे में बताता हूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सुकिस, यहाँ पे सबसे पहले आता है मैक्सिमम HP। अब देखो जो आपके मैप में कस्टम बनाएगा उसके अंदर जो है आप लोग अपने HP को भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे गैस 0 से लेकर 1000 के बीच में आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोग पूरा फुल कर देते हो तो आपके कस्टम के अंदर हर बंदे के पास 1000 HP होगा, तो इसको 400-500 आपकी मर्जी कुछ भी कर सकते हो, बट मैं आपको बोलूँगा सिंपल से इसको आप लोग 200 ही रखना, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, इसके बाद गैस आता है मैक्सिमम EP, जो येलो वाला हेल्थ होता है उसको भी आप लोग 0 से लेकर 200 के बीच में कहीं पे भी सेट कर सकते हो। मैं बोलूँगा इसको पूरा फुल जैसे 200 होता है वैसे ही करना। ओके, अब कैसे यहाँ पे देखो तीसरा जो सेटिंग है, कैसे यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग पास HP कम होता है तो हमारा जो EP है वो HP में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे अगर इस लाइन को आप लोग बढ़ाओगे तो जो आपका EP है वो जल्दी जल्दी HP में कन्वर्ट होगा, तो इसको आप लोग फुल कर सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो, बट मैं आपको बोलूँगा ये जैसे है वैसे ही रहने दो, क्योंकि इन सब के साथ अगर आप लोग छेड़छाड़ करोगे तो शायद से आपका कस्टम बकवास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कैसे देखो यहाँ पे आता है क्विक EP कन्वर्सन। देखो कैसे यहाँ पे गेम के अंदर कुछ ऐसे करेक्टर है जो कि EP को HP में तुरंत से कन्वर्ट कर देता है, तो अगर यहाँ पे आप लोग ऑन कर दोगे तो वो सब करेक्टर जो है वो सब सिस्टम जो है वो काम करेगा, लेकिन अगर आप लोग ऑफ कर दोगे तो ये सब काम नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा इसको भी आपको ऑफ ही करना है। अब देखो कैसे यहाँ पे आता है लिमिटेड एमओ, इसको याद से आपको कर देना है ऑफ। यहाँ पे अगर आप लोग लिमिटेड एमओ को ऑफ करोगे तभी आपके कस्टम में अनलिमिटेड ग्लोबल अनलिमिटेड एमओ वगैरह आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको लिमिटेड एमओ को ऑफ कर ले देना। ठीक है, इसके बाद कैसे देखो यहाँ पे जो भी 4 ऑप्शन आते हैं इस सबको आपको जैसे है वैसे ही रहने देना है, इसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करना है।
अगर देखो यहाँ पे डैमेज टेकन को आप लोग बढ़ाओगे तो क्या होगा कि आपको जो डैमेज है वो ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। मूवमेंट स्पीड को बढ़ाओगे, सॉरी जंप स्पीड को बढ़ाओगे या फिर मूवमेंट स्पीड को, तो आपका कैरेक्टर कुछ ज़्यादा ही फास्ट भागेगा, नॉर्मल स्पीड से जो है ज़्यादा फास्ट भागेगा, तो आपका जो कस्टम है वो बिल्कुल बकवास टाइप का लगेगा। ओके, तो इसलिए गाइस बोल रहा हूँ यहाँ पे इन सबको आप कुछ भी छेड़छाड़ मत करना, सिंपल सा 100% पे ही रहने देना। ओके ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके रुको जरा, सबर करो। सुकेश इसके बाद किस यहाँ पे देखो लास्ट में आता है दो सेटिंग जो कि है स्किल्स को लेकर के। सबसे पहले किस यहाँ पे आता है पैसिव स्किल, उसके बाद आता है एक्टिव स्किल। देखो गेम के अंदर जितने भी कैरेक्टर है या तो उसके अंदर हम लोगों को एक्टिव स्किल दिखने को मिलता है या फिर पैसिव स्किल। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग पैसिव स्किल को ऑन कर दोगे, एक्टिव स्किल को रखोगे ऑफ, तो आपके कस्टम के अंदर जितने भी पैसिव स्किल्स वाले कैरेक्टर है जैसे कि मैक्सिम हो गया, तो ये सब कैरेक्टर की एबिलिटी काम करेगा, लोग जो है पैसिव कैरेक्टर स्किल्स वाले कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप लोग एक्टिव स्किल को भी ऑन कर दोगे तो आपके कस्टम के अंदर लोग जो है सभी कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग पैसिव को ऑफ कर दोगे, एक्टिव को ऑन रखोगे, तो आपके कैरेक्टर में आपके कस्टम में सिर्फ एक्टिव स्किल वाले कैरेक्टर जैसे कि डीजे लोग हो गया, क्रोनो हो गया, इन सब की एबिलिटी काम करेगा। तो बट कैसे यहाँ पे देखो जब आप लोग एक्टिव स्किल को ऑन करोगे तो जितने भी एक्टिव कैरेक्टर है जैसे कि यहाँ पे देखो के हो गया, वुकोंग हो गया, स्टीफी हो गया, इन सब का जो कूलडाउन टाइम है उसको भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, मतलब कि बढ़ा घटा सकते हो। बट मैं आपको बोलूँगा या तो आप लोग सीधा सीधी ऑन करो या फिर सीधा सीधी आप लोग ऑफ कर दो। मेरे ख्याल से जो पैसिव स्किल है उसको ऑन कर दो, एक्टिव स्किल को ऑफ कर दो। इससे कैसे क्या होगा कि आपके गेम के अंदर आपके कस्टम के अंदर कोई भी स्कैलर वगैरह यूज़ नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ जो पैसिव स्किल वाले कैरेक्टर जैसे कि हो गया मैक्सिम वगैरह, इन सब की एबिलिटी को यूज़ कर पाएगा, ठीक है। तो पैसिव स्किल से उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ एक्टिव स्किल में हो जाता है क्रोनो वगैरह या फिर स्कैलर, इन सब से थोड़ा सा कस्टम बकवास लगता है, ठीक है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। सुकेश यहाँ पे मैंने आपको सारे सेटिंग के बारे में बता दिया, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। और गाइस बोल दो जब आप लोग अपनी सेटिंग को कर लोगे उसके बाद लास्ट में याद से आप लोग यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना, क्योंकि आप ओके पे क्लिक करोगे तभी जो है आपका वो सेटिंग सेव हो पाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से गाइस यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। और गाइस कुछ लोगों का ये भी कमेंट होता है कि भाई जो क्राफ्टलैंड कस्टम होता है उसके अंदर हमें क्वाइन बहुत कम मिलता है, तो देखो भाई उसके लिए भी आपको सेटिंग करना पड़ेगा। जब आप लोग कस्टम बनाते हो उस टाइम पर अगर आप लोग अच्छे सेटिंग करोगे तो आपका क्राफ्टलैंड कस्टम भी अच्छे से बन पाएगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए वीडियो की क्राफ्टलैंड का कस्टम कैसे बनाए तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बोलना, उसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। ओके, आई होप कि गाइस यहाँ पे वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें। सो गाइस मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, चलो टाटा बाय, टेक केयर।